इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त के बड़े अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं। वहीं जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना के केसेस फिर से मिलने लगे हैं। जी हां, कई राज्य जिलों में से जो है कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और शासन प्रशासन भी इस ओर अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। जी हां, शासन प्रशासन ने भी बिल्कुल ढील दे दी है, जिसके चलते लोग भी जो है लापरवाह हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जी हां, वहीं लोग लापरवाह होकर बेफिजूल जो है घर से बाहर भी निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसके चलते अब कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। जी हाँ, कोरोना के केसेस मिलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही थी कि सितंबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, और वही अब देखा जा रहा है लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है, लोगों को डराने लगी है। तो वही अब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर जहां दस्तक दे रही है, उसी बीच इस खतरनाक वेरिएंट ने भी अपनी दस्तक दे दी है, अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से जबलपुर से केस सामने आए हैं, मैं आपको बता दूं कि महीने के पहले 17 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब ने 6 कोरोना मरीजों के सैंपल नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भेजे थे, और वही 26 अगस्त को इसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी 6 नमूनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। वही शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन 40,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से मृतकों की संख्या जो 600 के पार थी, वो आज 500 से नीचे आ गई है। वही ठीक होने वालों की संख्या 32,000 से ज्यादा भी है। और वही इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं लोगों की लापरवाही के चलते, तो अब इस एक और खतरनाक वेरिएंट ने अपनी दस्तक दे दी है। तो वही वॉइस ऑफ एमपी आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कोरोना को हमें हराना है और कोरोना की तीसरी लहर को आने से पूरी तरीके से आने से रोकना है। तो वॉइस ऑफ एमपी आपसे यही अपील करता है कि मास्क पहने, सैनिटाइज का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनिवार्य कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। ये था इस वक्त का अपडेट। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।